और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज का अभिषेक सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इन वीडियो को मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों के जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं टेक्नोलॉजी के अराउंड, मेरे अराउंड, वो मैं जवाब दे सकूं आपको। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, अगर आपको अपना क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ट्विटर पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्वीट करना है और ट्वीट करते समय हैशटैग यूज करना है #AskAbhishek, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। और ऐसे में आपका क्वेश्चन नोट कर लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं यहां पे क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन यहां पे आया है अज्ञादीप सहा से, और ये पूछ रहे हैं व्हेन आई गेट नॉगेट अपडेट फॉर लिनोवो K6 पावर डिवाइस। तो लिनोवो K6 पावर में नॉगेट अपडेट जो है अभी नहीं आने वाला है, मेरे ख्याल से अगले महीने उसका नॉगेट अपडेट आएगा, तो आपको अप्रैल तक रुकना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिनोवो K6 पावर में नॉगेट अपडेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रोशन जमन मॉडल की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं मैं एक हार्ड कोर गेमर हूँ और क्या मुझे रेडमी नोट 4 या फिर लिनोवो Z2 लेना चाहिए। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो लिनोवो Z2 आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन रेडमी नोट 4 एक बेहतर स्टेबल फोन है। ऐसे में आपको Redmi Note 4 ले लेना चाहिए क्योंकि उसमें आप अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। हालांकि बहुत ही हेवी गेमिंग करनी है तो आपको Lenovo Z2 लेना होगा, लेकिन अगर आपको एक मॉडरेट गेमिंग और साथ ही साथ एक स्टेबल फोन चाहिए तो आप Redmi Note 4 को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि एक नया फोन है। Lenovo Z2 अब थोड़ा पुराना हो गया है। हालांकि Lenovo Z2 में आपको और भी अच्छा हार्डवेयर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपडेट्स की वहां पर कमी रहेगी, तो आप Redmi Note 4 ले सकते हैं हमारी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अनुभव आनंद की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं डू यू थिंक साइनिंग अमिताभ बच्चन एज वन प्लस ब्रांड एम्बेसडर विल इंक्रीज फोन प्राइस सेगमेंट इन इंडिया। तो देखिए, वन प्लस ने अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर की तरह साइन कर लिया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बन गए हैं, लेकिन ये एक प्रमोशनल प्लान है उनका और ये आगे आने वाले जो फोन हैं उनके लिए बेसिकली किया गया है। तो ऐसे में आप ये मत सोचिए कि इसकी वजह से वन प्लस 3T की जो है प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे में आप डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि वन प्लस 3T उतने ही प्राइस में मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और वो है ओंकर महापात्रा की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट ब्राउजर है एंड्रॉइड के लिए एक्सेप्ट यूसी वेब, प्लीज ओपन अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप पर GTU फैमिली। तो जहां तक GTU फैमिली का सवाल है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग नहीं खोलने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर के थ्रू सारी बातें हो जाती हैं और व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल हो जाता है सब लोगों के क्वेश्चन का जवाब देना। ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा अच्छा ब्राउजर है अगर आपको यूसी वेब यूज नहीं करना है। तो ऐसे में गूगल क्रोम में आपको सजेस्ट करता हूं, और अगेन आपको कंटेंट बेस्ड ब्राउजर चाहिए तो आप ओपरा मिनी भी डाल सकते हैं। तो ओपरा यहां पे एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको यूसी वेब पसंद नहीं है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पे प्रखर कुमार की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं Li2 या फिर Redmi Note 4, प्लीज डोंट से Li2 इज ओल्ड, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी। तो अगर आपको Li2 चलता है तो ऐसे में Li2 और Redmi Note 4 के कंपैरिजन में Redmi Note 4 बेहतर इसलिए है क्योंकि Redmi Note 4 के अंदर आपको एक स्टेबल हार्डवेयर मिलता है जो कि अगेन आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। Li2 के अंदर आपको थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें परफॉर्मेंस के अलावा जो और चीजें मैटर करती हैं जैसे कि हीटिंग, तो हीटिंग आपको Redmi Note 4 में नहीं मिलेगी जबकि Li2 में हीटिंग आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसे में आपको Redmi Note 4 बेहतर लगेगा। और मैं इन दोनों में से आपको Redmi Note 4 ही सजेस्ट करूंगा, Li2 सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको हीटिंग चलता है तो ऐसे में आप Li2 बिल्कुल ले सकते हैं, उसके डिस्प्ले भी ठीक है, कैमरा भी ठीक है और बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रखर कुमार की तरफ से अगेन, और ये पूछ रहे हैं कि Redmi Note 4 में नॉगेट अपडेट कब आएगा। Redmi Note 4 में नॉगेट अपडेट जल्दी आएगा, आई थिंक अगले मंथ तक, अप्रैल तक नॉगेट अपडेट जो है Redmi Note 4 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है यश गर्ग की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि Redmi Note 4 या फिर Honor 6X। तो ऐसे में अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी फोटोज लेनी है, तो डेफिनेटली आप Honor 6X के लिए जाइए, लेकिन अगर आपको एक स्टेबल फोन, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन और एक लंबे समय तक अच्छे से चलने वाला फोन चाहिए तो आप Redmi Note 4 ले सकते हैं। Honor 6X में यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है स्टेबल है,
और फोन रिस्पॉन्सिव है डे टू डे यूसेज में। Redmi Note 4 थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पे, जबकि Honor 6X के अंदर कैमरा तो अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस उतनी टॉप नॉच नहीं है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस में Honor 6X में अगर आप कंपेयर करेंगे उसे Redmi Note 4 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे यशवर्धन की तरफ से और पूछ रहे हैं आस्क अभिषेक यूज किया है इन्होंने हैशटैग और उन्होंने पूछा है सर आई एम यूजिंग iPhone 6s वाईफाई गेट डिस्कनेक्टेड स्क्रीन गेट टर्न ऑफ प्लीज हेल्प सर यू आर यूजिंग आईफोन सिंस लॉन्ग। तो देखिए आईफोन के अंदर जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस आईफोन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सभी आईफोन 6s में ऐसा होता है या फिर आईफोन 7 में भी ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसे सर्विस सेंटर ले जाइए और उसे चेक करा लीजिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फोन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आईफोन कंप्लीट सीरीज की प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है मयंक शर्मा की तरफ से और वो पूछ रहे हैं हाउ कैन आई स्टार्ट अ ब्लॉग, कैन यू गिव मी सम टिप्स। तो ऐसे में मयंक शर्मा अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दीजिए और wordpress.com पे आप जाके फ्री में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पे जाके आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है ब्लॉग को स्टार्ट करना लेकिन उसको डेली बेसिस पे अपडेट करना मुश्किल है, तो ऐसे में बहुत ही मेहनत करके आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना होगा उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, और आप डेफिनेटली wordpress.com को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लखन चौहान की तरफ से और वो पूछ रहे हैं सर प्लीज Redmi Note 4 लेने की कोई ट्रिक बताओ, जब भी सेल में आता है तभी नहीं मिलता। देखिए Redmi Note 4 की जो एक ट्रिक है या फिर एक प्रोसेस है उसके बारे में हमने एक आर्टिकल लिख दिया है, उस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। आई होप कि वो प्रोसेस आपके लिए काम में आ जाएगा। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं Redmi Note 4 को खरीदने के लिए, डेफिनेटली अगर आप उस प्रोसीजर को ट्राई करेंगे जिसके बारे में हमने लिख दिया है तो कुछ ना कुछ आपका काम जो है हो जाएगा और शायद आप Redmi Note 4 इस बार ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कुलवीर मान की तरफ से और वो पूछ रहे हैं अभी Redmi Note 3 MIUI UI एंड Android लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। देखिए Android का लेटेस्ट वर्जन है Nougat और MIUI UI का लेटेस्ट वर्जन मेरे ख्याल से MIUI 8 है, तो ऐसे में यही दोनों वर्जन आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अनुभव आनंद की तरफ से और वो पूछ रहे हैं Moto G5 Plus 17,000 रुपये, Redmi Note 4 13,000 रुपये, बजट 15,000 रुपये है इनका, तो ऐसे में कौन सा बेहतर है और क्या 17,000 तक इनको अपना बजट स्ट्रेच करके Moto G5 Plus लेना चाहिए और बैटरी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक कमी जो है एक तरह से जो कम चीज है फीचर वाइज वो है Moto G5 Plus में बैटरी, सिर्फ 3000 mAh की बैटरी है लेकिन उनका कहना है कि ये एक दिन चल जाएगी, लेकिन अगेन एक दिन ही चलेगी, एक दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अगर आपके लिए बैटरी इंपॉर्टेंट है तो Redmi Note 4 ही आपके पास बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको और बेहतर कैमरा चाहिए तो आप Moto G5 Plus के लिए जा सकते हैं। इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो मैं आज बना दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए इससे पहले कि Moto G5 Plus इंडिया में लॉन्च हो, और साथ ही साथ Moto G5 Plus की फाइनल प्राइस अभी नहीं पता चली है, तो जब वो प्राइस पता चलेगी तो आपको और डिटेल में बता देंगे। लेकिन अगेन यहां पे ये दोनों ही डिवाइस अलग अलग तरह से बनाए गए हैं, Redmi Note 4 उनके लिए है जिनको एक परफॉर्मेंस चाहिए अच्छी और साथ ही साथ बैटरी बैकअप और भी अच्छा चाहिए, जबकि Moto G5 Plus उन लोगों के लिए है जिनको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा कैमरा चाहिए। तो ऐसे में कैमरा अगर आपका प्रेफरेंस है तो Moto G5 Plus के लिए रुकिए, अदरवाइज आप Redmi Note 4 ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूरव रूपानी का और वो पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट ऑफ Redmi 4 इन इंडिया। देखिए अगर आपको Redmi 4 की लॉन्च डेट पता करनी है तो मैं आपको कह सकता हूं कि लॉन्च डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन मंथ जो है ऑलमोस्ट बता सकता हूं, अप्रैल के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली जो है Redmi 4 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और अप्रैल तक आपको रुकना पड़ेगा, अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में लॉन्च होने वाला है Redmi 4 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद मयंक शर्मा पूछ रहे हैं सर व्हेन कैन आई गेट GTU टी-शर्ट्स और अदर मर्चेंडाइज। तो हमने एक मर्चेंडाइज स्टोर जो है अपना बनाने का सोच लिया है और वो प्रोसेस में है अभी, और थोड़े दिनों में हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे और उसकी अनाउंसमेंट इसी मंथ के अंदर होगी, और उसके बाद आप लोग ये सब चीज़ें जो है खरीद पाएंगे जो GTU की ब्रांडिंग के साथ आती हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, कॉफी मग्स हो या फिर कैलेंडर्स हो, और भी बहुत सी चीज़ें हम वहाँ पे रखने वाले हैं, तो आप फोन केसेस जैसी चीज़ें भी वहाँ से खरीद पाएंगे जिसमें आपको GTU की ब्रांडिंग मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है शुभम अग्रवाल की तरफ से और वो पूछ रहे हैं इन प्रीवियस वीडियो यू सेड Redmi Note 4 विल रिसीव Nougat
अपडेट इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, प्लीज कंफर्म व्हेन इट विल कम। तो देखिए रेडमी नोट 4 का नॉगर अपडेट इसी मंथ में आना था, लेकिन मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या टेस्टिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में रेडमी नोट 4 का नॉगर अपडेट डिले हो गया है। और ये डिले मेरी वजह से नहीं हुआ, ये हुआ है Xiaomi की तरफ से, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है और हमें और वेट करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में और सारी कंपनीज भी कुछ इसी तरह से डिले कर देती हैं, और Xiaomi ने भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें नॉगर अपडेट मिल जाएगा Redmi Note 4 का, लेकिन वो मिलेगा अप्रैल के अंदर। अब अप्रैल के अंदर भी कोई डेट पता नहीं है, लेकिन अप्रैल के अंदर पक्का जो है वो अपडेट मिल जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चन थे आज के, जो कि थे आज अभिषेक सीरीज के अंदर आप लोगों के। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जिन लोगों को नहीं मिला है वो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, और ट्विटर पे मैं आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।